धजियां उड़ाई जा रही हैं, इंसाफ का मजाक हो रहा है एक अदालती निजाम का हमारा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। फाइनली लतीफ कोसा साहब का रिएक्शन सामने आया है परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी पर, क्योंकि वो खुद भी उस गाड़ी में मौजूद थे परवेज इलाही साहब के साथ जब पुलिस आई और परवेज इलाही साहब को घसीट कर टांगों और बाजू से पकड़ कर दूसरी गाड़ी में डाला। लतीफ कोसा साहब ने क्या रिएक्शन दिया है, उन्होंने कुछ सख्त गुफ्तगु भी की है, आइए पहले आपको उनकी गुफ्तगु सुनवाते हैं। धजियां उड़ाई जा रही हैं, इंसाफ का मजाक हो रहा है एक अदालती निजाम का हमारा, इस तरह से बनाना रिपब्लिक में भी कभी नहीं होता है। तो अब तो फिर जाहिर है कि तहरीक के अलावा और क्या रहे। अब 25 करोड़ आवाम के खुदा का खौफ करो, उसके डरो गमो गुस्से से, उस दिन से डरो जब ये जो है सड़कों पर निकलेंगे लोग, और फिर आपको जो है जाने नहीं देंगे कहीं भी, आपका जाना महाल हो जाए। यकीनन आज अदालतों के लिए एक स्याह दिन था, जब दिन दिहाड़े लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई, उनको हवा में उड़ा दिया गया और परवेज इलाही साहब को दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तार किया गया। अब लोगों के पास एक ही चारा है कि वो निकले और अपना हक मांगे, अपने लिए इंसाफ मांगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लतीफ कोसा साहब ने एक मरतबा फिर वकला की तहरीक की कॉल का इशारा दिया है और दूसरी तरफ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को और इन ताकतवर लोगों को जो इस मुल्क में ये सब कुछ कर रहे हैं उनको इशारा दिया है कि ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और अगर एक मरतबा हालात कंट्रोल से बाहर हो गए तो फिर आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी और ये आवाम आपको भी कहीं जाने नहीं देंगी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें।